Good morning, student. Today I will start new exercise, exercise number 10.2. And question number first, Hemant purchased the following items from Vasudeva Milk Dairy as per bill number 428 on date 29 January 2015. यहाँ पे ये जो exercise है 10.2, इसमें हमें bill मेक करना है, बिल मेकिंग वाले क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से बिल बना हुआ होगा, कुछ क्वेश्चंस में पहले से ही बिल बना होगा और आपको उसमें जो भी एरर्स जो होंगे उसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करना है कि कौन से किस में एरर है, किस में मिस्टेक है और उसको आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो बिल आपको करेक्ट करने वाले क्वेश्चंस भी होंगे, उस जिसमें आपको बिल ऑलरेडी बना हुआ होगा उसमें आपको कुछ मिस्टेक्स होगी, उस मिस्टेक्स को आपको करेक्ट करना है, ठीक है। और कुछ बिल ऐसे होंगे जिसको आपको पूरा बनाना है। तो क्वेश्चन वन इसी टाइप का है जिसमें आपको पूरा बिल, आपको गिवन इन्फॉर्मेशन से पूरा बिल बनाना है। तो कैसे हम एक बिल का जो परफॉर्मा होता है वो कैसे होता है वो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्ट आपको एक ये इस तरीके से बॉक्स बनाना होगा, ठीक है। हर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अपनी कॉपी में, जो आप जब ये बिल बनाओगे तो आप अपनी कॉपी को इस तरीके से इस ऐसे नहीं बनाओगे उसमें बिल, बिकॉज ये बिल थोड़ा इस तरीके से है। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी को इस तरीके से लोगे और देन उसके बाद उसको ड्रॉ ऐसे करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉपी में बिल ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा सबसे फर्स्ट इस तरीके से एक बॉक्स बनाओगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे टॉप में, यहाँ पे इस साइड में लेफ्ट साइड में आपका आएगा बिल नंबर, लेफ्ट साइड में आप क्या लिखोगे बिल नंबर। तो अगर क्वेश्चन में बिल नंबर गिवन है तो आप लिखो, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर वन में है 428, बिल नंबर कितना है 428, तो आप लिख दोगे। अगर क्वेश्चन में बिल नंबर नहीं होगा तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में क्या आएगा बिल नंबर, राइट साइड में आएगी डेट। अगर ये भी क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में है 29/1/15 क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप जो भी डेट, जिस भी डेट को बना रहे हो, एग्जाम वाले दिन बना रहे हो तो आप एग्जाम वाली डेट लिख देना। और अगर आप अभी जैसे अगर कर रहे हो वर्क तो आप जो आज की डेट है वो लिख देना, ठीक है। बिल नंबर लेफ्ट साइड में बिल नंबर, इस साइड डेट, और सेंटर में हम क्या लिखेंगे, जो भी यहाँ पे जो कंपनी है उसका नेम, इसमें है वासुदेव मिल्क डेयरी, तो हम इसका एड्रेस यहाँ पे नेम लिखेंगे वासुदेव मिल्क डेयरी, ये नेम है। और अगर आपको एड्रेस यहाँ पे है लिखा हुआ तो आप नीचे एड्रेस लिख दोगे जो भी है, ठीक है। जैसे अगर जयपुर में होती तो जयपुर का एड्रेस यहाँ पे होता तो वो लिख देते, नहीं लिखा हो तो leave it, छोड़ दो, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में बिल नंबर, डेट लिखना है, राइट साइड में यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट, जो भी कंपनी है उसका नेम, अगर एड्रेस है तो नीचे लिख देना यहाँ पे, अदरवाइज नहीं है तो छोड़ देना। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में आता है नेम एंड एड्रेस। नेम एंड एड्रेस में जो अगर कोई कंपनी के जो भी है उनका अगर नेम है तो वो लिखोगे, और वो कौन सी जगह है वो लिखोगे। सिटी का नेम नहीं है तो अब जैसे यहाँ पे तो किसी का नेम गिवन है ही नहीं है, हेमंत, यहाँ पे नेम किस कौन क्या है हेमंत, तो उस पर्सन का नेम आएगा यहाँ पे सबसे ऊपर, तो वो कंपनी का नेम आएगा यहाँ पे हेमंत आएगा, और जगह का नेम नहीं लिखा हुआ है तो हम अपने मन से लिख देते हैं यहाँ पे जयपुर लिख देते हैं, ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो हम लिख देते हैं जयपुर, समझ आ गया। थर्ड कॉलम में आप क्या करोगे, इस साइड सीरियल नंबर, फर्स्ट बॉक्स पे आप सीरियल नंबर, यहाँ पे सेकंड में डिस्क्रिप्शन, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, ये कॉलम्स बन जाएंगे। सीरियल नंबर में, यहाँ पे सीरियल नंबर में कितने, यहाँ पे देखो वन से लेकर फोर तक प्रोडक्ट है तो आप यहाँ लिखोगे वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर, फोर नंबर। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, 8 लीटर मिल्क। डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा प्रोडक्ट का नेम, तो फर्स्ट नंबर पे क्या है मिल्क, तो मिल्क लिख दिया। रेट क्या है इसकी, 8 रुपीज 40.25 पैसे, ये इसकी रेट हो गई। क्वांटिटी कितनी है, 8 लीटर,
मल्टीप्लाई करना है, 40 रुपीज 25 पैसे को 8 से मल्टीप्लाई करना है। अमाउंट मतलब 8 लीटर मिल्क के लिए 1 लीटर आता है 40 रुपीज 25 पैसे। मैंने आपको क्वेश्चन 10.1 के क्वेश्चन में बताया था एट दी रुपीज लिखा होगा तो वो 1 की कॉस्ट होगी, 1 की प्राइस होगी। तो यहाँ पे 1 लीटर मिल्क कितने का आता है, तो 8 लीटर मिल्क की कॉस्ट अगर आपको फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई, 8 5 40, 8 2 16 16 4 20 0 2 का तो कोई मतलब नहीं होता, इतने का आएगा। ठीक है, 8 लीटर मिल्क कितने का आएगा, 322। सेकंड है कर्ड, डिस्क्रिप्शन में जो नेम होगा प्रोडक्ट का नेम वो आएगा, कितने रुपीज का है, 60 रुपीज का, ठीक है 60 रुपीज का। क्वांटिटी कितनी है, 3 किलोग्राम कर्ड है और 1 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम की है, ठीक है 1 किलोग्राम कर्ड 60 रुपीज का आता है। तो 3 किलोग्राम का करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 3 180 हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट है, घी, घी कितने रुपीज का आता है, 1 आता है, 1 किलोग्राम आता है 450 रुपीज का, 450। 0.00 का कोई मतलब नहीं होता, 450 लिखेंगे और क्वांटिटीज की है 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम 450 में आता है, 2 किलोग्राम कितने का आएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को तो आ जाएगा 900 रुपीज। फोर्थ नंबर पर है बटर मिल्क, बटर मिल्क मतलब छाछ, बटर मिल्क और ये आता है, ये आती है 1 लीटर आता है ₹20.75 और क्वांटिटी है इसकी 5 लीटर। लिक्विड चीज हमेशा लीटर में होती है, ठीक है इसलिए लीटर में। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लीटर आता है ₹20.75, 5 लीटर का फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 103 रुपीज 75 पैसे, 103.75 पैसे, ठीक है ये हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट ये इतना होने के बाद हमें क्या करना है, टोटल करना है, यहाँ पे टोटल यहाँ लिखोगे आप क्वांटिटी के, यहाँ पे टोटल, टोटल किसका करना है, अमाउंट का टोटल करना है, चारों अमाउंट का हम क्या कर देंगे टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार देख लो आप कैसे करोगे टोटल, मैं यहाँ करके बता देती हूँ। एक तो हमारे पास 322 फर्स्ट नंबर पे, फिर है 180, फिर है 900 और फिर है 103 रुपीज 75 पैसे, 5, 7, 3 or 2, 5, 8 or 2, 10, 0, carry 1, 1505.75 ये हमारा आ गया ₹5,500.75 और इसको आप कैसे लिखोगे, आप यहाँ आपको वर्ड्स में लिखना है 1000, यहाँ लिखोगे आप 1500 आगे आप और लिख देना स्टूडेंट, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिखती हूँ 5 और 70 and 75, ठीक है। सो स्टूडेंट आपको ये चीज आगे ही लिखनी है, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए, और ये लास्ट लाइन आपको लास्ट कॉलम में जरूर लिखना है, एरर्स एंड ऑमिशन एक्सेप्टेड, एरर्स का मतलब गलती, ऑमिशन का मतलब चूक, गलती और चूक एक्सेप्टेड है और यहाँ पे आपको साइन करना है। सो आपको स्टूडेंट इसी तरीके से करना है।
डिस्क्रिप्शन जो प्रोडक्ट होगा वो रेट और क्वांटिटी और दोनों को, रेट हमेशा 1 की गिवन होगी आपको, क्वांटिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है और वो अमाउंट आ जाएगा, और अमाउंट का फिर आपको क्या करना है, टोटल करना है। बस आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना होता है। एक बिल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मोस्टली आपका क्वेश्चन है ऑलरेडी बना हुआ होता है बिल, आपको क्या करना होता है, उसको रेक्टिफाई करना होता है, उसको सही करना होता है। तो क्या होता है, पूरा प्रोफॉर्मा गिवन होता है, आपको क्या चेंजेस करने होते हैं, बस रेट और क्वांटिटी को आपको मल्टीप्लाई करके देखना होता है, क्योंकि अमाउंट में मिस्टेक होती है। ठीक है, क्या होता है, अमाउंट में मिस्टेक होता है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको देखना होता है कि वो ठीक है क्या। कई बार आंसर ठीक होता है, किसी में डिफरेंट होता है, तो आपको वही चेंज करके लिखना होता है। बहुत ईजी होता है वो तो क्वेश्चन और भी। सो ईच स्टूडेंट डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन 1 नहीं करना है, क्वेश्चन 2 करना है, क्वेश्चन 2 एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 4 इन योर कॉपी। थैंक यू।